आईएनएक्स मीडिया केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को धर दबोचा है। वहीं कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने इसके लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इसे राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है। डीएमके और सीपीआई ने भी इसकी कड़ी आलोचना करते हुए राजनीति से प्रेरित बताया है। इससे पहले इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने बीते 16 फरवरी को कार्ति के चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया था, जो कार्ति और उनसे जुड़ी कंपनियों का ऑडिट करते थे। हालांकि कार्ति का कहना है कि जांच एजेंसी जिन कंपनियों की लेन देन की जांच कर रही है उन कंपनियों को वह बहुत पहले छोड़ चुके हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मई 2017 में पूर्व वित्त मंत्री के बेटे के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया था। जनवरी में दिल्ली और चेन्नई के उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। सीबीआई इस मामले की अलग से जांच कर रही है। सीबीआई की एफआईआर में आईएनएक्स मीडिया के निदेशकों पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी के नाम भी शामिल हैं। पीटर और इंद्राणी सीना बोरा हत्याकांड में आरोपी हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया के लिए एफआईपीबी की मंजूरी दिलाने में कार्ति की कथित भूमिका की जांच हो रही है। कार्ति को कथित तौर पर इसके एवज में मुंबई के आईएनएक्स मीडिया से 3.5 करोड़ रुपए दिए गए थे। आईएनएक्स मीडिया अब आईएनएक्स मीडिया के नाम से जाना जाता है। उस समय इस कंपनी को मुखर्जी दंपति चला रहे थे।